नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। यहाँ भी हम कुशल मंगल हैं। केएसपी क्रिएशन प्रस्तुत महाशिवरात्रि की महिमा। चलिए लिंगाष्टकम से इस महिमा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मजदुख कविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्षसुय लिंगाष्टकम संपूर्णम। चलिए अब जानते हैं शिवरात्रि की महिमा। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। यह पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने अपनी वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती के संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था, ऐसा माना जाता है। संक्षेप में कहें तो यह शिव पार्वती की शादी की सालगिरह भी कह सकते हैं, और जिसे हम खुशी से इस पावन पर्व को मनाते भी हैं। महाशिवरात्रि की कहानी यह है कि इस दिन भगवान शिव ने पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, पर फाल्गुन माह के में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि इतनी शक्तिशाली क्यों है, जानते हैं आप लोग? नहीं ना। यह बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र की गहराई में छिपे अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया था, तो जहर का एक बर्तन निकला था। शिव ने देवता और मानव जाति को बचाने हेतु से इस जहर को भी पी लिया था, और वह जहर कंठ में ही अटक गया था। इसके लिए उसका नीलकंठ नाम भी प्रसिद्ध है।
शिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है, ऐसा माना गया है। इस दिन चंद्रमा का सूर्य के साथ योग रहता है, इसलिए लोग जागरण करते हैं और व्रत रखते हैं। इस साल महाशिवरात्रि कब है आप सब लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को यानी शुक्रवार के दिन 2024 को मनाया जाएगा। आशा करती हूँ महादेव आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करे। धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलना और बाजू के घंटी को दबाना भी न भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि।